वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको बोलते हैं RO AR O, मतलब रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसकी टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। 3 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। यह है टेस्ट नंबर 4, इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। यह टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा जो जून में होने वाली है, अभी 3 महीने का समय शेष है केवल, उसकी तैयारी में लगे हैं। फॉर्म आने वाला है अप्रैल में, जून का। ये जो 15 दिसंबर को हुई थी ये तो 2019 की हुई थी, अब जून में भी होगी ना 2020 की, तो उसका फॉर्म अगले महीने आने वाला है, तो उसकी तैयारी में लगे रहिए। और उसकी टेस्ट सीरीज़ अलग से तो करानी है, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस हर दिन करते रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। 140 नंबर का GS का पेपर होता है, और उसी दिन सेकेंड मीटिंग में जो है दूसरा पेपर होगा, वो होगा 60 नंबर का। वो किसका होगा? हिंदी का होगा। तो इसमें GS आएगी 140 नंबर की, हिंदी आएगी, इन दोनों को मिला के जो है वो रिजल्ट बनता है। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं हिंदी में कम से कम 55 से लेकर 58 तक लाते हैं, जो मेरिट इसी से बढ़ती है, तो दोनों की तैयारी करते रहो। अगर इसमें टफ भी हो गया तो हिंदी में तो खींच लेना ना कम से कम। चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी विषयों की तैयारी हो जाए इसलिए प्रश्नों के स्लॉट को 5-5 में बांट दिया है। जैसे 5 हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, 5 पॉलिटी के, इस तरह से मिलेंगे, 5 करंट अफेयर्स के या पर्यावरण और पारिस्थितिकी के, और इसी तरह राउंड फिगर में जो है हर दिन टेस्ट आते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? आसान सा प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी से बता दीजिए। महेंद्र वर्मन नहीं था, नरसिंह वर्मन नहीं था, राज सिंह नहीं है, यह सिंह विष्णु। कौन है? सिंह विष्णु। तो देखिए, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, और इसके बाद महेंद्र वर्मन आता है, महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर राज सिंह आदि शासक हुए। इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ सकता है एग्जामिनर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने पांडे तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया? किसने किया पांडे तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित? परातंग ने किया। किसने किया? परातंग ने। तो देखिए, आदित्य प्रथम के उत्तराधिकारी परातंग ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया, और पांडे नरेश ने परातंग के वैसे श्रीलंका से सहायता मांगी। 915 ईस्वी में परातंग ने बेलूर के युद्ध में पांडे तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। दक्षिण भारत की राजनीति में श्रीलंका के इस हस्तक्षेप के कारण चोलो एवं श्रीलंका के मध्य एक लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में चोलों को राष्ट्रकूटों से हार का सामना करना पड़ा था? किस युद्ध में चोलों को राष्ट्रकूटों से हार का सामना करना पड़ा था? तकोल्लम के युद्ध में। किस युद्ध में? तकोल्लम के युद्ध में। तो देखिए, 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट और चोलों के मध्य तकोल्लम का युद्ध हुआ, जिसमें चोल पराजित हुए। इस युद्ध में चोलों का नेतृत्व परातंग प्रथम ने किया था। हराया किसने? राष्ट्रकूटों ने। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है? यह प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट। किस अभिलेख में मिलता है और 50 बार पूछा होगा परीक्षाओं में? हाथी गुफा में नहीं मिलता, गिरनार में नहीं मिलता, इलाहाबाद में नहीं मिलता, ये मिलता है ऐहोल अभिलेख में। तो देखिए, ऐहोल अभिलेख बादामी के प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय के विषय में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस लेख की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, और इसे रवि कीर्ति ने लिखा है। ऐहोल प्रशस्ति के अंत में रवि कीर्ति ने दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया। इस प्रकार कालिदास के नाम का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था? महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था किसके शासनकाल में? चालुक्यों के शासनकाल में। तो देखिए, चालुक्यों की राजधानी थी बातापी, मतलब बादामी, और इसका संस्थापक पुलकेशियन प्रथम को माना जाता है। इस काल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। नरकेसरी की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी, बताइए। नरकेसरी की उपाधि जिस चोल शासक ने धारण की थी उसका नाम है विजयालय। किसने धारण की थी? विजयालय ने। तो देखिए, चोलों का उत्थान विजयालय से प्रारंभ होता है। उसने तंजौर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। उल्लेखनीय है कि पल्लव पांडे संघर्ष में पल्लवों का साथ देकर विजयालय ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी।
क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कारण है कि अफ्रीका में सोना, हीरा, टिन, यूरेनियम, तांबे के विशाल भंडार होने के बावजूद इसकी गिनती गरीब देशों में होती है? तो देखिए, तीन तीन ऑप्शन हैं, क्या इनमें से कोई कारण हो सकता है? तकनीकी के अभाव में इनका दोहन नहीं हो रहा है, और लोहे तथा कोयले का उत्पादन कम होना, और यहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी हैं। अच्छा, इस तरह के स्टेटमेंट जो है, यहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी, ये 5% सही हो पाते हैं बस, बाकी 95% ये गलत ही होते हैं, मतलब कट ही जाते हैं। तो यहाँ पर भी गलत है, ये गलत है, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो हो नहीं सकता। अब बाकी तकनीकी के अभाव के दोहन में, तकनीकी के अभाव में इनका दोहन नहीं हो रहा है, बिल्कुल टेक्निकल लग रहा है, और लोहे तथा, मतलब कंठस्थ लग रहा है, लोहे तथा कोयले का उत्पादन भी कम हो रहा है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, केवल एक और दो सही हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप में विभिन्न खनिजों का भंडार होने के बावजूद यहाँ तकनीकी अभाव के कारण इनका दोहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए पहला सही है। और यहाँ लौह अयस्क तथा कोयले का उत्पादन कम है, इसलिए लौह तथा इस्पात उद्योग भी विकसित अवस्था में नहीं है, इसलिए दूसरा भी सही है। लोगों का प्रकृति प्रेमी होना अफ्रीका की गरीबी का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालाहारी तथा सहारा मरुस्थल में आबादी नहीं पाई जाती, और दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। बंटू जनजाति जायरे में निवास करती है। जायरे या कंगो जो है ना, वो अफ्रीका, सॉरी, जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, उसको 2 बार काटती है। बहुत पूछते हैं प्रश्न, अब बताइए कौन सा सही है इसमें। देखिए, पहला तो कुछ कुछ लग रहा होगा आपको, दूसरा बाउंसर जा रहा होगा, तीसरा भी बाउंसर जा रहा होगा। तो यहाँ पहला करेक्ट है, कालाहारी डेजर्ट और सहारा डेजर्ट में आबादी जो है वो जनशून्य है, और दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, और बंटू जनजाति जायरे में निवास करती है। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। कालाहारी तथा सहारा मरुस्थल जो है वो जनशून्य है। दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। यह UNO का 193वां सदस्य है, और जायरे पर पहले बेल्जियम का शासन था। यहाँ के लोग बंटू जनजाति के हैं तथा इनकी भाषा बंटू है। उल्लेखनीय है कि जायरे को वन्य प्राणियों की विविधता के कारण विशाल चिड़ियाघर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक नाइजीरिया में स्थित सोयाबीन उत्पादन केंद्र है? कौन सा है जो नाइजीरिया में स्थित है और सोयाबीन उत्पादन केंद्र है? देखिए, बकबंगा तो हीरा उत्पादन केंद्र है, ट्रांसपाल सोना उत्पादन केंद्र है, और सोयाबीन उत्पादन है यहाँ पर बेन्यू घाटी। तो बेन्यू घाटी नाइजीरिया में स्थित सोयाबीन उत्पादन केंद्र है, और बकबंगा जो है वो जायरे में स्थित हीरा उत्पादन केंद्र है, और जो ट्रांसवाल है वो दक्षिण अफ्रीका की वेट वार्ड्स लैंड की पहाड़ी पर स्थित सोना उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने संबंधी प्रावधान किया गया था, बताइए। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने संबंधी प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1 वर्ष बाद 1774 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने संबंधी प्रावधान किया गया था, परंतु इसकी स्थापना वर्ष 1774 में कलकत्ता में की गई थी, याद रखिएगा। और एलिजा एम्पे जो है पहले इसके चीफ जस्टिस थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर अधिनियम ही नहीं है इनमें, बताइए। देखिए, 4 प्रकार के चार्टर अधिनियम हुए, 1793 का चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। 1861 में कोई चार्टर अधिनियम नहीं था, और एक चार्टर के बीच में जो है 20 वर्ष का गैप था, याद रखिएगा। तो 1786 एवं 1757 के बीच ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामले में 4 प्रमुख चार्टर अधिनियम पारित किए, 1793 चार्टर अधिनियम, 1813 का अधिनियम चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। उपरोक्त चार्टर अधिनियम 20-20 वर्ष के अंतराल पर पारित किए गए। इन्हें चार्टर अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन अधिनियमों के द्वारा कंपनी की आज्ञा पत्र अवधि बढ़ाने के साथ साथ कंपनी के अधिकार, कंपनी एवं सरकार के बीच संबंध, कंपनी के भारतीय प्रशासन में समय समय पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक निकाय का गठन किया गया, किसके तहत किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत।
किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण मंडल, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक, एक नए निकाय का गठन किया गया। बाकी 1809 के अधिनियम को मार्लेमेंटो अधिनियम कहते हैं और 1919 के अधिनियम को मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। देखिए, बाहर से हल्का फुल्का नॉइस आ सकता है, पता नहीं ये लोग क्या क्या करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? मतलब इनमें 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखिए, पहला तो करेक्ट है और दूसरा यहीं पकड़ा गया, पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था। मतलब चाय पर एकाधिकार तो बना रहा था ना कंपनी का, तो इसलिए गलत है दूसरा, यही अपना आंसर है। बाकी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया, ये करेक्ट है। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये भी करेक्ट है। तो देखिए, कथन भी गलत है क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय एवं चीन पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, तो पूर्णतः जहाँ है इसलिए गलत है वो। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस चार्टर एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, बताइए। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को जो है वो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल की सरकार भारत की सरकार एवं उसकी परिषद भारतीय परिषद कहलाई और इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन नंबर 16 है, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, बताइए किसने किया है इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन? ये किया है अनसर्ट हीकल ने। किसने किया है? अनसर्ट हीकल ने। बाकी जॉनसन ने जीन जो है प्रतिपादन किया था, जीन का प्रतिपादन जॉनसन ने, और मेंडल को सभी को पता होगा फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। तो जर्मन वैज्ञानिक अनसर्ट हीकल ने सन 1869 में पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, किसी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले पादपों तथा प्राणियों की जातियों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है और जीवों के समुदाय और भौतिक पर्यावरण के उनके साथ संबंध से पारितंत्र का निर्माण होता है। जीवों के समुदाय और भौतिक पर्यावरण के उनके साथ संबंध से पारितंत्र का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है, करेक्ट है। और किसी आवासीय क्षेत्र में पौधों और जीव जंतुओं की जातियों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही पूछा है। तो देखिए, जनसंख्या से तात्पर्य किसी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले पादपों तथा प्राणियों की जातियों से है, इसलिए पहला करेक्ट है। और जीवों का समुदाय और वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, ये सब मिलकर पारितंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, सभी जीव अनिवार्यतः आहार, ऊर्जा, आवास व अन्य ज़रूरतों के लिए पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। बिल्कुल आश्रित रहेंगे, और है कौन उनका, इसी को आप नष्ट करते जा रहे हो, उनका हैबिटाट जो है वो छिन जा रहा है उनसे। पर्यावरण एक स्थैतिक मतलब स्टैटिक संकल्पना है। देखिए, पर्यावरण स्थैतिक थोड़ी है, ये तो डायनामिक है ना, मतलब गतिशील है, तो दो तो हो नहीं सकता, इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली।
तो सभी जीव मतलब विषाणु से लेकर मानव तक अपने भोजन, ऊर्जा, पर्यावास, जल, ऑक्सीजन आदि जरूरतों के लिए पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। और पर्यावरण एक गतिशील मतलब डायनेमिक संकल्पना है, ना कि स्थैतिक। और इसके दो घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, जो निरंतर प्रवाहमान और बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे के दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन आपको करना है। गैर हरित पौधे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अजैविक घटक होते हैं। वर्षा पर्यावरण की जैविक घटक है। भूगर्भिक जीव विकास सतह भी पर्यावरण की जैविक घटक है। देखिए, मैंने 50 बार कम से कम बताया होगा पर्यावरण के दो प्रकार के घटक होते हैं, दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। हिंदी में समझें तो जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, जिसमें जीवन है वो जैविक घटक है, मतलब आपके अंदर जीवन, मेरे अंदर जीवन और दूसरे प्राणियों मनुष्यों के अंदर जीवन, जितने जानवर हैं उनके अंदर जीवन, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, जितने भी हैं, सांप, मेंढक, इसके अलावा पौधों में भी तो जीवन है ना, जगदीश चंद्र बसु बता गए। तो ये चीज़ हो गई पर्यावरण की जैविक घटक। और जो हरित पौधे, गैर हरित पौधे, ये भी तो पर्यावरण के जैविक घटक ही होंगे ना, तो अजैविक लिख रखा है, यहाँ गलत है। वर्षा पर्यावरण की जैविक घटक थोड़ी है। वर्षा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, स्थलाकृति हो गई, मिट्टी हो गई, ये सब पर्यावरण के जैविक नहीं बल्कि अजैविक घटक हैं। और भूगर्भिक जीव विकास सतह, ये सब के सब अजैविक घटक हैं। तो इसमें तो कोई भी सही नहीं हुआ, तो डी हो जाएगा इसका उत्तर, इनमें से कोई भी सही नहीं है। सॉरी फॉर दिस, डी हो जाएगा ना, कोई भी सही नहीं है। तो देखिए, गैर हरित पौधे पर्यावरण के, रुक जाइए, कुछ त्रुटि हो गई है। हाँ सही है, ये डी होना चाहिए ना यहाँ पर। तो देखिए, गैर हरित पौधे पर्यावरण के महत्वपूर्ण जैविक घटक होते हैं, और वर्षा पर्यावरण की अजैविक घटक है, और भूगर्भिक जीव सतह, जीव विकास सतह पर्यावरण की अजैविक घटक है ये भी। तो इसमें सही बताना था हमको, इसमें कोई भी सही नहीं है, तो इनमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है, तो कोई भी सही नहीं है, तो डी है यहाँ पर। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तीन तीन स्टेटमेंट है, बताना है कि सही उत्तर का चुनाव करना है। विभिन्न प्रकार के समुदाय मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के पारितंत्र मिलकर वायोम या जीवोम का निर्माण करते हैं। जैव मंडल वायोम से बृहत्तर संकल्पना है। तो बताइए इसमें, देखिए देखिए, जीवों के बहुत सारे समुदाय होते हैं, वो समुदाय जब मिलता है ना, बहुत सारे समुदाय मिलते हैं तो बनता है पारितंत्र। तो करेक्ट है पहला, जब बहुत सारे पारितंत्र बनते हैं, मिलते हैं, तो बनता है वायोम या जीवोम। तो करेक्ट है ये वाला भी, दूसरा भी। और जब बहुत सारे जीवोम मिलते हैं तो बनता है जैव मंडल। तो इस तरह से चलता है ना, तो सारे के सारे करेक्ट हैं, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। तो देखिए, पारिस्थितिकी के मुख्यतः 6 प्रकार के संगठन स्तर हैं। जीव है, समष्टि है, समष्टि का मतलब क्या है, पॉपुलेशन है, और समुदाय है, पारितंत्र है, जीवोम है, और जैव मंडल है। इनमें सबसे छोटी जो संरचना है ना, इनमें इनमें जीव जो है वो सबसे छोटी संरचना है, तथा अन्य क्रमिक रूप से बृहत्तर अवधारणा है। क्रमिक रूप से मतलब क्रमशः, उसके बाद उसके बाद। तो सबसे छोटा जीव हो गया, जीव बहुत सारे जब जीव मिल जाएंगे तो बनेगी पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन जब मिल जाएंगे तो बनेगा समुदाय, जब बहुत सारे समुदाय मिल जाएंगे तो बनेगा पारितंत्र, जब बहुत सारे पारितंत्र मिल जाएंगे तो बनेगा जीवोम या बायोम, जब बहुत सारे जीवोम और बायोम मिल जाएंगे तो बनेगा जीव मंडल। यही तो कह रहा है तीसरा वाला स्टेटमेंट, जीव मंडल बायोम से बेहतर संकल्पना है, तो सही है। तो देखिए, पारितंत्र का निर्माण विभिन्न प्रकार के समुदायों के संयोजन से हुआ है, इसलिए पहला करेक्ट है। और वायोम विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों के मिलने से बना है, इसलिए दूसरा भी करेक्ट है। और किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव मंडल सबसे बड़ा होता है, ये भी करेक्ट है। तो भाई, 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इनका रिविज़न करते रहना, और इनका जो है फेर बदल कर दिया जाएगा। जैसे इस बार पारिस्थितिकी ऐड कर दी, अगली बार करंट अफेयर्स ऐड कर देंगे उस टेस्ट में, फिर उसमें उसके अगले बार क्या होगा, जनसंख्या के प्रश्नों को ऐड कर दिया जाएगा, इकोनॉमी के प्रश्नों को ऐड कर दिया जाएगा। तो टेस्ट देखने के लिए धन्यवाद। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट पर आप जो है 1 से 4 नंबर टेस्ट तक पहुँच सकते हो। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हम धीरे पढ़ाते हैं, तो आप जो है यूट्यूब के प्लेबैक स्पीड में जाकर आप अपनी स्पीड को
1.2x या 1.5x में रखिए, और जिनको लग रहा है तीव्र पढ़ा रहे हैं तो आपको 0.75x तक चले जाइए। धन्यवाद।